बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेता सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ये प्रदर्शन गर्दनी बाग में सड़क पर उतर कर किया जाएगा। आज राजधानी में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर सम्मेलन किया गया। जन वितरण कर्मी को सरकार सेवक बनाने, 30,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने और डीलर मार्जिन मनी देने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन की जा रही है। आपको बता दें, जल्द ही सारे कर्मचारी गर्दनी बाग में धरना पर उतरेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे बात पर वरुण कुमार प्रदेश महामंत्री क्या कह रहे हैं। कार्य समिति सदस्य, सभी जिला अध्यक्ष, सचिव एवं प्रखंड अध्यक्ष, सचिव एवं कार्यकारिणी के सभी लोग आज उपस्थित हुए। हम लोग लगातार कई वर्षों से सरकार से मांग करते आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के पास मांग करते आ रहे हैं, मंत्री के पास मांग करते आ रहे हैं, सचिव के पास मांग करते आ रहे हैं कि हमारी लंबित 8 सूत्री मांग पूरा किया जाए, लेकिन हमारा एक भी मांग पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हम बीच में हड़ताल भी किए, 5/5/2021 को 17-13 दिन का हड़ताल चला, उसमें भी हमारी मांग पर कोई भी विचार नहीं किया। अंतोगत आज हम लोग प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुला करके हम लोग आज निर्णय करेंगे, और सभी का अगर राय बन गया तो आज के दिन ही घोषणा कर दी जाएगी कि किस तारीख को हम लोग पटना के धरती पर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि अब विभागीय सचिव ने साफ कहते हैं कि हमारे स्तर का नहीं, मुख्यमंत्री के स्तर का मामला है। मुख्यमंत्री आपके फाइल को रोके हुए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मजबूर हो गए हैं कि पाला मुख्यमंत्री के पास चला गया है। हम पूरा तमाम कार्य समिति के लोग फैसला ले करके मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे पटना के गर्दनी बाग में, और प्रदर्शन करके अपनी मांग को हर हालत में मांग ले करके रहेंगे। हम लोग का मांग है जन वितरण विक्रेताओं, जो मुख्यमंत्री के स्तर का मामला है कि जन वितरण विक्रेताओं को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। अगर इसमें कोई तरह की दिक्कत है तो 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए। अन्य राज्यों में मिल रहा है तत्काल 300 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन। भारत सरकार को विभागीय सचिव ने पत्र लिखा है, वो भी पत्र का अमली जमा अभी तक नहीं पहुंचा। 300 रुपये कमीशन के लिए जब पत्र सरकार को भेजा गया है तो क्यों नहीं आप करते हैं 300 रुपये कमीशन दिया जाए। हम लोग का पूर्व की भांति अनुकंपा है, जो 2001 से हम लोग को मिल रहा था उसको काट लिया गया, निलंबन प्रक्रिया काट लिया गया, साप्ताहिक छुट्टी काट लिया गया, आवंटन में भारी विसंगति है। पॉस मशीन को चलाने वाले सचिवालय के लोग अपने मन से आवंटन बढ़ा देना, आवंटन घटा देना, जो अपने मन से सॉफ्टवेयर उनके हाथ में है, जब चाहते हैं घटा देते हैं, जब चाहते हैं बढ़ा देते हैं। 2020 में हम लोग खाद्यान्न 2020 में हम लोग का खाद्यान्न वितरण हुआ, बहुत लोग का कोरोना काल में थम से विक्रेता के थम से किया गया, लेकिन विक्रेता थम करने के बाद ही हम लोग को आवंटन पूरा चढ़ा दिया गया है, वितरण कर दिए। अब आवंटन ला दिया तो हमको मजबूरी और बाजार से खरीद करके हमको मेकअप करना पड़ा, चूंकि स्टॉक में आ गया था हमको मेकअप करना, ये बहुत बड़ा लॉस है। हर तरह से त्राहिमाम करते आ रहे हैं, जहाँ तक बता रहे हैं अब ऑनलाइन जाँच ऑनलाइन व्यवस्था हो गया है, विक्रेता को ऑनलाइन खाद्यान्न का वितरण कर रहा है, तो ऑनलाइन जाँच करो ना। ऑनलाइन उपभोक्ताओं के शिकायत होने पर विक्रेताओं की जांच हो, दोहन शोषण जो लगातार विभाग के पदाधिकारी कर रहे हैं उसे वापस लिया जाए, अन्यथा आज फैसला लेकर के धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में मैं करूंगा। अब मुख्यमंत्री घेर करके, मुख्यमंत्री जब तक बात नहीं करेंगे, मांग पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग हर प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसके बावजूद भी और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल फोर्ट पिलर लाइफ।